नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर केंद्रीय विद्यालय द्वारा कई कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। विद्यालय द्वारा एक सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है। इसके अलावा शहर के वार्ड नंबर 4 गोपालपुर में जाकर स्कूल के शिक्षकों द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं 2 अक्टूबर के बाद भी इस कार्यक्रम को विद्यालय द्वारा लगातार 1 माह तक चलाया जाएगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत ये हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, जिसमें बच्चों को और जो भी स्कूल में आ रहे हैं उन सबको जागरूक करें कि हमें अपने आसपास का माहौल, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना है और उसमें हम सभी को भागीदारी देनी है। सिर्फ सफाई कर्मी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि हम सब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी ऑल हैव टू प्ले अ क्रूशल एंड मेजर पार्ट इन क्लेनलीनेस ड्राइव विच इज बीइंग कैंपेन्ड बाय मोदी जी एंड वी आर गोइंग टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। सून ही हमारा स्कूल जो है एक रैली भी ऑर्गेनाइज करने वाला है और हम लोग इवन पास के विलेज गोपालपुर गांव है वहां पर भी हम बच्चों को लेके गए थे अभी पिछले पखवाड़े के टाइम, षष्ठ पखवाड़े में, और वहां पर भी बच्चों ने जाकर के वहां पे जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको स्वच्छता कैसे करना है, कैसे आपको अलग अलग कचरे को डिसिमेट करना है, उन सबके बारे में जानकारी दी थी। ये कब तक चलेगा आपका कार्यक्रम? ये अभी स्वच्छता ही सेवा जो है वो 2 अक्टूबर तक है और उसके बाद फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा और फिर 4.0 स्वच्छता वो जो है आपका 30 अक्टूबर तक चल रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? हुमा सिद्दीकी, पीजीटी इंग्लिश। मोदी जी ने लगातार स्वच्छता के लिए देश को प्रेरित कर रहे हैं, आपका स्कूल क्या सहयोग कर रहा है? हमारा विद्यालय जो है स्वच्छता के तरफ से बहुत ही जागरूक है। प्रतिदिन आप विद्यालय कैंपस को देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी, हमारी विभिन्न कमेटी, हमारे सदस्य छात्र छात्राओं और शिक्षकों के मार्गदर्शन में लगातार विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए हुए हैं और जो भी सरकार की तरफ से कार्यक्रम समय समय पर लॉन्च होते हैं उनको तो हम करते ही करते हैं और साथ ही हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों में, शिक्षकों में और समाज में ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो कि हम लोग जो है हमेशा अपने आसपास की सराउंडिंग को, अपने घर को और लोगों के बीच में ये संदेश पहुँचाएँ कि हमारा समाज जो है और हमारी जो सराउंडिंग्स है वो हमेशा स्वच्छ रहे, न कि केवल हम लोग जो है कुछ दिनों के लिए स्वच्छता को अपनाएं। स्वच्छता की सेवा का मतलब यह है कि हम हमेशा इसको अपनाएं, हमारे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं, ये हमारा प्रयास है केंद्रीय विद्यालय। क्या नाम है सर आपका? प्राचार्य आर के रुद्र।